पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। श्लोक नंबर 37। तस्मान् नारः वयम् अन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, अर्जुन कहता हे माधव, इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे जो स्वजन हैं, उनको मारने के लिए हम लोग योग्य नहीं है। अपने स्वजनों को मार करके कोई व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता। अर्थ फिर देख लीजिए। हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्र जो मेरे अपने ही स्वजन हैं, बांधव हैं, उनको मारने के लिए हम लोग योग्य नहीं हैं। अपने जनों को मारने के पश्चात कोई व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता। ये जो गीता का हिस्सा जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है गीता का, जिसको कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, थोड़ी चले देते हैं। समस्या अर्जुन की है, हम क्यों इस पर विचार करें। हम इसलिए छोड़ देते, अर्जुन जाने। लेकिन ये पाठ ऐसा है जो गीता पूरी इसी पर आधारित। पीछे के मंत्र में देखा आपने, अर्जुन ने कहा ये आतताई है, आतताई। आतताई का अर्थ होता ऐसा पापी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, ऐसे पाप किए हुए थे जिसने है, शास्त्र बोलता उस आतताई को मार देना चाहिए। आततायनम हन्यादेव अविचारयन, इस आतताई की मृत्यु होनी चाहिए, नहीं तो औरों को भी ये दुखी करेगा, औरों को भी कष्ट करेगा, इसका स्वभाव हो गया। इसलिए इस आतताई का वध कर देना चाहिए। अब सवाल, आतताई का वध कौन करे, कौन मारे? सन्यासी महात्मा तो नहीं मारेगा, वैदिक ब्राह्मण वो तो नहीं मारेगा, वो तो अहिंसा में भरोसा करता है, सबके कल्याण की इच्छा करता है। आतताई का वध होना चाहिए, लेकिन कौन करे? सन्यासी महात्मा नहीं, रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण नहीं, शांति प्रिय लोग नहीं, उन लोगों का कर्तव्य होता है जो इसके लिए नियुक्त होते हैं। ये उनका काम होता है, जैसे हम व्यवस्था चलाने के लिए पुलिस रखते हैं, मिलिट्री रखते हैं, जज बनाते हैं, इसे पनिशमेंट देते हैं। तो और लोगों के लिए थोड़ा विचार किया जा सकता है, इसको थोड़ा छोड़ दो, इसको छोड़ दो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आतताई है, उस आतताई का
बध होना चाहिए, उसके लिए और कोई सजा का प्रावधान नहीं है, एक ही सजा है, उसकी मृत्यु होनी। तो कौन मृत्यु दे? उसके लिए मृत्यु देने के लिए अर्जुन जैसे लोग होते हैं, योद्धा है, सक्षम है, और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं। उनका ये कर्तव्य होता है जैसे जज का काम है, पुलिस का अपना काम है, जज का अपना काम है, फिर जो सजा पर चढ़ाता है जल्लाद उसका अपना काम है। तो शास्त्र बोलता है जो आत्मताई व्यक्ति है उस आत्मताई व्यक्ति का वध होना चाहिए, उसके लिए और कोई सजा का प्रावधान नहीं। अर्जुन मानता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र आत्मताई, सब जो बड़े बड़े पाप हो सकते थे सब इन्होंने किए हुए हैं, लेकिन फिर भी, और अर्जुन इसीलिए नियुक्त भी है, भगवान तो धर्म युद्ध के लिए आए ना, भगवान धर्म युद्ध के लिए आए। अर्जुन का काम है ऐसे लोगों को दंड देना, अर्जुन का ये कर्तव्य है ऐसे लोगों को दंड देना जिनका ये काम है, जो आतताई है, जो पापी, यही अर्जुन का काम है और होना चाहिए। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं ये आतताई और मेरे अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए अर्जुन कहता ने इनको नहीं मारना चाहिए। तस्मान न आर्या भयम हंतुम धृतराष्ट्रान सुबांधवान, ये हमारे जो बंधु है ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं लेकिन हमारे बंधु, हमारे परिवार के, हमारे फैमिली के हैं, यही पर अर्जुन अपने धर्म से हट जाता है। अर्जुन का धर्म है क्षत्रिय योद्धा, कहां पर अर्जुन है और कहां पर इसको होना चाहिए। अर्जुन अभी युद्ध भूमि में एज ए योद्धा है, वो सन्यासी महात्मा नहीं, वहां पर रहकर के अर्जुन को उसके बारे में सोचना चाहिए, योद्धा का कर्तव्य क्या है। तो धर्म योद्धा का ये कर्तव्य होता है, जो धर्म के लिए युद्ध करता है उसका ये कर्तव्य होता है कि जो आतताई लोग हैं उनको दंडित किया जाए, और ये आतताई है उसको भी मालूम है। लेकिन समस्या कहाँ आ गई, धृतराष्ट्रांसो बांधवान, ये हमारे अपने बंधु है, ये हमारे अपने लोग हैं, इसलिए इनको मारना ठीक नहीं है। तस्मान न आरहा वयम हंतु, हम लोग इनको मानने के योग्य नहीं, मारे जाने चाहिए ये, लेकिन हम लोग इसके मारने के योग्य नहीं। अर्जुन ऐसा समझता है, हे कृष्ण हे माधव, हम लोग इनको मारने के योग्य नहीं है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, अर्जुन क्या मानसिक स्थिति समझे, मानसिक स्थिति है आतताई भी है और उसका स्वजन भी है। धर्म युद्ध कहता है आतताई का वध कर देना चाहिए, अर्थशास्त्र कहता है परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। दो तरह के शास्त्रों के यहां पर विचार है, अर्थशास्त्र कहता है अपने परिवार की रक्षा करो, धर्म शास्त्र कहता है आतताई का वध करो। अर्जुन दोनों को जानता है, कई बार ज्यादा जानना भी परेशानी की समस्या का कारण बन जाता। अर्जुन को दोनों तर्कें मालूम है, अर्जुन को दोनों लॉजिक मालूम है। अर्थशास्त्र बोलता है अपने परिवार की रक्षा करो, धर्म शास्त्र बोलता है
आतताई का वध करो और अर्जुन तुम्हारा ये कर्तव्य। अब अर्जुन इस दुविधा में है, आतताई का वध करने को मैं तैयार हूं लेकिन मेरे परिवार के लोग नहीं होने चाहिए। स्वजनम ही कथम हत्वा, ये ठीक है ये आतताई है लेकिन समस्या कहां पर है, ये मेरे अपने स्वजन भी है, ये मेरे अपने परिवार के लोग भी। अब मेरे अपने परिवार के लोगों को हे कृष्ण मैं मार दूंगा आतताई समझ करके, तो मुझे सुख कैसे मिलेगा। आतताई समझ करके, आतताई है पापी है, अब इनका मैं वध कर दूं, कर भी दूंगा। तो एक समस्या, एक एक धर्म शास्त्र का तो मैं पालन कर सकता हूं लेकिन दूसरी स्थिति क्या होगी कि मेरे अपने संबंधियों को मैं मारता हूं। और हे माधव कथम सुखिना श्याम, आप ये बताइए मुझे सुख कैसे मिलेगा, कैसे मुझे सुख मिलेगा इनके मारने के बाद। ये जब युद्ध पूरा हो जाएगा, ये मृत्यु हो जाएगी इनकी, उसके बाद वो सब चीजें मुझे आके बार 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 परेशान करती रहेंगी कि मैंने अपने ही लोगों को, अपने ही परिवार को, अपने ही बंधुओं को मैंने मारा है। ये बात ठीक है कि आतताई है, इन आतताइयों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, हम वयम न आर्या, हम योग्य नहीं, कोई और मारे। अर्जुन की दुविधा, अर्जुन की समस्या यहां पर है, हे कृष्ण ये आतताई भी हैं और मेरे अपने लोग भी हैं, इन दोनों परिस्थितियों में मैं एक को चयन करूं, करना पड़ेगा दोनों, एक चीज साथ दोनों नहीं चल सकती। तो इस अवस्था में यदि मैंने इनको मार दिया, इनको मारने के बाद मुझे सुख कैसे मिलेगा, मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपने आचार्य, मेरे गुरु पिता, ये पुत्र पौत्र सारे रिलेशन जो पीछे आपने देखे सब, इनको मारने के बाद मुझे सुख कहाँ मिलेगा। अगला मंत्र देखिए, यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्थ देखो इसका, अर्जुन कहता है कृष्ण यदि ये लोग, यद्यपि ये लोग लोभ के कारण, प्रदूषित हुए चित्त के कारण ये लोग नहीं देख पा रहे हैं कि कुल को नष्ट करने का क्या दोष होता है और मित्र के साथ दुश्मनी करने का क्या पाप होता है। अर्थ फिर देखिए, हे कृष्ण लोभो पात चेतसा, लोभ के कारण इनका जो चित्त है वह विकृत हो चुका है, इसीलिए ये लोग नहीं देख पा रहे हैं क्या कुलक्षय कृतम दोषम, अपने परिवार को नष्ट करने का दोष, और मित्र दोहे पातकम, अपने मित्र से द्वेष करने का जो पातक है पाप, इनको नहीं दिखाई पड़ता। अब देखिए अर्जुन कहता मैं मार के सुखी नहीं हो सकता, अपने मन में थॉट प्रोसेस चल रहा है, अपने आप ही तर्क करता, अपने आप उसका उत्तर देता है, उसको लगा कि जैसे मैं सोचता हूं, अर्जुन सोचता है ये मेरे परिवार के लोग हैं, ऐसे दुर्योधन क्यों नहीं सोचता, ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र क्यों नहीं सोचते, तुम भी तो उनके परिवार के हो, तो जैसे तुम सोचते हो वैसे ही दुर्योधन को भी सोचना चाहिए, धृतराष्ट्र को भी सोचना चाहिए
तो युद्ध ही क्यों होता? यदि ऐसी सोच होती परिवार की तो ये महाभारत का युद्ध होता ही क्यों? तब कहता है कृष्ण, लोभो पाप चेतसा, इनका जो चित्त है वो लोभ के कारण पराजित हो गया है। इनका जो मन है, इनकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि के अंदर में लोभ आ गया। लोभ के कारण बुद्धि अभिभूत हो गई, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। ये चीजें मेरे पास हैं, इधर ध्यान ही नहीं जाता है। लोभ के कारण ये होता है, मुझे दूसरों का कैसे ले लूं मैं? लोभ के कारण जो चीजें मेरे पास उनकी मैं वैल्यू खत्म कर देता हूं, मैं उसकी वैल्यू करता हूं जो मेरे पास नहीं है, मैं उसकी वैल्यू करता हूं जो दूसरों के पास वो मुझे लेना है। दूसरों के पास से लेना, अब कैसे लेना है उसमें कुछ भी करना पड़े, इसका नाम लोभ हो जाता है। और ये विचार, आपके पास जो चीजें हैं उनमें सुखी नहीं रहने देता, क्योंकि ध्यान तो वहां पर गया हुआ है, वो लेना है। आगे जब आप गीता को पढ़ेंगे, भगवान कहेंगे अर्जुन, इदम मया प्राप्तम, इदम मया लब्धम, ये तो मैंने प्राप्त कर लिया और ये मैं प्राप्त करूंगा। लोभी व्यक्ति हमेशा अपने को गरीब, हमेशा अपने को भिखारी, दीन हीन मानता रहता है, क्योंकि उसको वो चाहिए, वो चाहिए। और इस चाह के कारण, इस लोभ की वृत्ति के कारण क्या होता है? अपहत चेतसः, जो चित्त है उस चित्त के ऊपर एक ही चीज रहती है, लोभ। किसी भी तरह से मुझे वो प्राप्त करना, उसके लिए न पाप देखेगा, न पुण्य देखेगा, न अच्छा न खराब, न मेरा न तुम्हारा, मुझे वो चाहिए। दुर्योधन के पास कोई कम थोड़ी था, हस्तिनापुर का साम्राज्य उसके पास था। लेकिन जब पांडवों का वैभव उसने इंद्रप्रस्थ में देखा, तो उसको उस अपना जो वैभव था, अपनी जो चीजें थी, वो कम लगने लगी। उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, उनमें कोई अब आदर नहीं रह गया, अच्छा दिखने लग गया पांडवों वाला, वो मुझे चाहिए। लोभ का असंतुष्ट व्यक्ति, लोभो पहत चेतसा, लोभ के द्वारा चित्त अपहत हो गया, ढक गया, उसके अंदर अब विचार करने की क्षमता खत्म हो गई। लोभो पहत चेत होने के कारण ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। लोभ ऐसा चित्त के ऊपर में बैठ गया है, कुलक्षय कृतम दोषम न पश्यन्ति, ये लोग अपने परिवार को नष्ट करने का क्या दुष्परिणाम होता है इनको नहीं पता चल रहा, इनको ये नहीं पता चल रहा अपने परिवार को, अपने परिवार को, फैमिली को समाप्त करने का, नष्ट करने का, कुलक्षय समाप्त करना। तो अपने परिवार को समाप्त करने का जो दुष्परिणाम है इन लोगों को पता नहीं चलता है। क्यों? लोभ है, आंखों में लोभ है, लोभ से अंधे हो रहे हैं, और लोभ अंध होने के कारण अपने ही परिवार को मारने को तैयार है। ऐसा व्यक्ति कब करेगा? जब कोई व्यक्ति एकदम अंधा हो जाएगा,
अपने परिवार को, कोई व्यक्ति कम मारेगा, थोड़ा भी विवेक होगा, थोड़ा भी विचार होगा तो अपने परिवार को कैसे खत्म कर सकता, कैसे मार सकता, थोड़ा भी विचार होगा। लेकिन दुर्योधन, धृतराष्ट्र के पुत्र, अपने पूरे परिवार को खत्म करने को तैयार है और उसके बाद होने वाले जो दुष्परिणाम है उनको दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि लोभ ने उनकी आंखों को ठक दिया, लोभ ने उनकी दृष्टि को बंद कर दिया है। तो दो तरह के लोग वहां पर खड़े थे, एक तो परिवार के लोग, दूसरे मित्र द्रोहे च पातकम, मित्र लोग आपके, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार के हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अपना फ्रेंड बनाते हैं, आपको लगा अच्छा व्यक्ति है, अच्छे अच्छे लोगों को आप अपना मित्र बनाते, आपके फ्रेंड हमेशा अच्छे होते और जो अच्छा नहीं होता अनफ्रेंड हो जाता। जो जो आपको अच्छा लगा, जिन जिनको आपने समझा ठीक है उनको आपने मित्र बनाया, वो आपके फ्रेंड। तो एक पैसा जो आपको संसार में संबंध के कारण मिला वो आपका परिवार है, पति पत्नी भाई बहन, जितने आचार्य पितामह पितर जो रिलेशन आपने पहले सुने, शाला संबंधिन तथा, ये जो सब सुने थे, ये कैसे मिले? संसार में रिलेशन के कारण। और मित्र आपने बनाए, ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड फ्रेंड आपने सेलेक्ट किए, इतने बड़े संसार में, इतनी बड़ी भीड़ में आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, कुछ लोगों को आपने उसमें से इकट्ठा किया, ये मेरे फ्रेंड है। अर्जुन कहता है इस महाभारत के युद्ध में बहुत से लोग ऐसे जो हमारे अपने परिवार के हैं और बहुत से लोग ऐसे जो हमारे अपने मित्र हैं, जब युद्ध होगा वो भी मर जाएंगे। और मित्र को मारने का पाप, मित्र द्रोहे च पातकम्, मित्र से द्रोह करने का पाप, परिवार को नष्ट करने का पाप, स्मृतियों में लिखा है कि पापिष्ठतमो भवति कुलक्षय कृतम, जो कुल को क्षय करने वाला व्यक्ति है वो पापिष्ठतम होता है। कुल नाश कृतम, कुल का नाश करने वाला जो व्यक्ति है पापिष्ठतमो भवति, बड़ा भारी पापी होता है, बहुत बड़ा पापी होता है जो अपने परिवार को नष्ट करता है। और वैसे ही दूसरा पापी होता है जो अपने मित्र को नष्ट करता है। मित्र द्रोहे च पातकम्, अपने मित्र को नष्ट करने के कारण जो पाप होता है, ये पाप कब नहीं दिखाई पड़ता है? जब आंखों के ऊपर लोभ आ जाए, काम क्रोध कुछ भी आ जाए, ऐसा कुछ भी अवगुण आकर के चित्त को ढक देता है, चित्त के अंदर में विचार करने की क्षमता को खत्म कर देता है। हे कृष्ण, इसलिए ये दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र के पुत्र, लोभ के कारण इनका चित्त अंधा हो गया है। तो कुल में, कुल के नाश से होने वाले जो दोष हैं और मित्र के साथ देश करने के जो पाप हैं, ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। अगला मंत्र देखिए, कथम न गेयम अस्माभिः पापा दस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यतिर जनार्दन। अर्थ देखिए, हे जनार्दन,
भगवान को कहता है जनार्दन, कुल के क्षय से होने वाला जो दोष है, उस दोष को देखने वाले हम लोग इस जानते हुए भी इस दोष को, इस पाप से क्यों ना निवृत्त हो जाएं। हे जनार्दन, अर्थ फिर देखिए, हे कृष्ण, कुल क्षय कृतम दोषम, कुल को नाश करने का जो दोष, कुल को नाश करने का जो पाप है, उसको हम लोग तो जानते हैं, तो उसको जानते हुए फिर इस पाप से हम लोग क्यों ना निवृत्त हो जाएं। अब अर्जुन यहां पर भगवान के आगे अपना प्रस्ताव रखता है, हे कृष्ण, हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। उसका एक ही वाक्य है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, वी डू नॉट फाइट। क्यों हम युद्ध नहीं कर रहे? हमें नहीं करना चाहिए, हम गलत कर रहे हैं, युद्ध से निवृत्त होना चाहिए। लेकिन क्यों? इसके लिए बहुत से लॉजिक दे रहा है, बहुत से तर्क दे रहा है। ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो पता नहीं है, ये अज्ञानी, लोभ का पर्दा इनकी आंखों पर चढ़ा हुआ है। लेकिन दूसरे हम लोग धर्म शास्त्र को जानने वाले, हम लोगों ने हे कृष्ण जन्म से लेकर के धर्म शास्त्र का पालन किया, धर्म के लिए बहुत प्रकार के कष्ट उठाए, ठीक बात। इसलिए भगवान पांडवों के साथ क्यों खड़े? पांडवों के साथ भगवान इसलिए खड़े हैं कि पांडवों ने कभी भी अधर्म का पालन नहीं किया। और भगवान का अवतार किस लिए हुआ था? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो भगवान का प्राकृत धर्म की संस्थापना के लिए, और जो कोई भी उसमें सहयोग करता है भगवान उसके साथ खड़े, और कोई कारण नहीं। तो शुरू से लेकर के अब तक परमात्मा श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े किस लिए? ऐसा क्या है पांडवों में? कुछ भी तो नहीं। यदि उनको किसी राजा से दोस्ती करनी होती, दुर्योधन था, बहुत ऑफर दे रहा था कृष्ण को, तो परमात्मा धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, और उसमें जो भी कोई काम करता है भगवान उसको साथ देते हैं। धर्म की रक्षा के लिए जो भी काम करता है भगवान साथ देते हैं, अधर्म व्यक्ति खुद करता है, भगवान उसमें साथ नहीं देता। लेकिन यदि कोई भी धर्म करता है तो परमात्मा उसको साथ देता है। अर्जुन, पांडव बचपन से, शुरू से लेके अब तक धर्म में रहे, तो अर्जुन कहता है कृष्ण, ये दुर्योधन तो पाप बुद्धि वाला है, हम थोड़ी पाप बुद्धि के हैं, हमको तो मालूम है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमारे ऊपर कोई लोभ का पर्दा चढ़ा हुआ नहीं है, हमारे चित्त के ऊपर में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, हमारा चित्त तो बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रहा है। हे कृष्ण, प्रपश्यत भी, प्रपश्यत भी मतलब हम ठीक से विचार कर रहे हैं। अब यही एक थोड़ी समस्या सबके साथ होती है कि हम दूसरों को जज करते हैं। हो सकता है आपका जजमेंट सही भी हो, आप ठीक भी हो सकते हो,
लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि हम अपने को जज नहीं करते, और करते हैं तो सही, हम मैं अच्छा हूं, बस पहले से फिक्स करके चलता हूं मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूं। इसलिए मैं दूसरों को जज करता हूं तो दूसरा अच्छा तो कम लगता है, बुरा बहुत होता, और मैं हमेशा ही अच्छा होता। अर्जुन दुर्योधन को जज कर रहा है, पाप के कारण, लोभ के कारण उसकी वृत्ति, उसका चित्त ढक गया है। लेकिन हम, हमारा चित्त तो बिल्कुल लोभ से ढका हुआ नहीं, और भगवान अंदर हंस रहे, अरे तेरा लोभ से नहीं तो मोह से ढका हुआ है। अरे लोभ तो कुछ भी नहीं है, मोह से सब पैदा होता है। अर्जुन कहता है प्रपश्यत धीर जनार्दन, हे जनार्दन, हम लोगों की स्थिति क्या है, हम धर्म में हैं लोग, हमारे चित्त के ऊपर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, हमारा चित्त सही जजमेंट करता है, सत असत का विवेक हमें पता है और हम उस पर सही निर्णय लेते हैं। इसलिए हे कृष्ण, कथम नगे अस्माभि, तो सब दुर्योधन जो गलती कर रहा है वो गलती हम क्यों करें, हमको तो नहीं करना चाहिए। प्रपश्यत भी जनार्दन, हे जनार्दन, हम तो देख रहे, दुर्योधन भी देखता है लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ता, उसकी आंखें लोभ से ढक गई, लेकिन हमारी आंखें तो नहीं ढकी, हम तो क्लियर देख रहे हैं। क्या कुलक्षय कृतम दोषम, हम साफ देख पा रहे हैं कि परिवार का नाश होने के दुष्परिणाम क्या हो सकते, हम विचार कर सकते हैं यदि हम अपना परिवार, खुद का परिवार, फैमिली नष्ट करते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या आएंगे। दुर्योधन विचार नहीं कर पाएगा क्योंकि लोग क्या करें, छोड़ो सब ठीक है, पहले राज्य ले लो फिर बाद में कुछ कर ले, राज्य मिल जाना चाहिए, तो उसके लिए राज्य सबसे बड़ा है, परिवार नहीं। लेकिन हम समझते हैं कुलक्षय कृतम दोषम, कुल का नाश हो जाने के पश्चात जो दोष, जो पाप लगने वाले हैं हम उसको जानते हैं, हमने धर्म शास्त्र देखा, वेद देखे हैं, हमें मालूम है, और हमारी आंखों पर किसी का पर्दा पड़ा हुआ नहीं है। इसलिए हे कृष्ण, कथम नगे अस्माभि, छोड़ो दुर्योधन को, वो तो पापी, अब उस पापी के लिए हम भी पापी हो जाएं, ये कौन सी समझदारी है, ये कौन सी समझदारी है कि दुर्योधन पापी है, लोभी है और उसके कारण वो देख नहीं पा रहा है, हम भी नहीं देखें तो फर्क क्या रहेगा, कोई डिफरेंस बचेगा दुर्योधन में और हम में। अर्जुन की लॉजिक बिल्कुल ठीक है, दुर्योधन में और हम में क्या फर्क है, जो काम वो करने जा रहा वही करने तो हम आ गए। इसलिए कथम न गेयम अस्माभि, हमको जो मालूम है हमको उसका पालन भी करना चाहिए। पापा दस्मन निवर्ति तुम, इसलिए जो कुल को समाप्त करने का पाप, अपनी वंश परंपरा को समाप्त करने का जो पाप है, कुल क्षय कृत जो दोष है, उस देश से हमको निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या कीमत देनी अलग बात, उसके लिए हमें क्या कीमत देनी पड़ेगी वो पॉइंट अलग है, लेकिन हे कृष्ण, इस पाप से, ये पाप कुलक्षय कृतम दोषम, कुल को नाश करने का जो पाप है, उस पाप को हमको खत्म कर देना चाहिए, उस पाप को नहीं लेना चाहिए। हे कृष्ण,
हमको उससे निवृत्त हो जाना चाहिए। अगला मंत्र देखिए, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मोऽभि भवत्युत। अर्थ देखिए, अब अच्छा अपनी लॉजिक को थोड़ा और एक्सपेंड करता है, क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, कैसे कैसे चीजें आगे बिगड़ेगी, उसका एक पूरा सीक्वेंस देता है। कुल क्षय प्रणश्यन्ति, कुल का नाश हो जाने के कारण, कुल धर्मा सनातना प्रणश्यन्ति, कुल के जो सनातन अनादि काल से चले आ रहे धर्म हैं, वे धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्मे नष्टम कुले कृष्णम, और जब कुल के समस्त धर्म नष्ट हो जाते हैं तो वहां पर अधर्म उत्पन्न हो जाता है। अर्थ फिर देखिए, अर्जुन अपनी बात को भगवान के आगे रखता है, हे कृष्ण, कुलक्षय कुल का नाश हो जाने के कारण जो उसमें होने वाले अनादि काल से चले आ रहे धर्म है, परंपराएं हैं, वे नष्ट हो जाती है, और उस धर्म का नाश हो जाने के पश्चात पूरी तरह से वहां पर अधर्म प्रकट हो जाता है। अब अर्जुन भगवान के आगे बात रखता है, मेरी समस्या नहीं है ये युद्ध, केवल मेरा अपना व्यक्तिगत दुष्प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। अब आप देखो इसके प्रभाव कहां तक जाएंगे, इसके दुष्परिणाम केवल मेरे ऊपर नहीं है, किस प्रकार से आगे विकृति पैदा हो गया, कैसे अधर्म की तरफ जाएगा। तो अर्जुन अपनी बात को धर्म में स्थापित करने की कोशिश कर रहा, तर्क ठीक है। अर्जुन कहता है, कुल क्षय प्रणश्यन्ति ही, कुल का नाश हो जाने के बाद फिर क्या होता है, कुल धर्म का अर्थ होता है ऐसी परंपराएं जो आपके अनादि काल से चली आ रही, कुल धर्म का अर्थ होता है ऐसा धर्म जो कुल में पालन किया जाता है। दशरथ महाराज बोलेंगे रघुवंश की नीति है कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुल का अर्थ होता है, कुल धर्म का अर्थ होता है कि कुल में एक ऐसी चीज चली आ रही है जो पीछे सिखा दी गई, हमको अपने पूर्वज से मिली, उनको उनके पूर्वज से मिली, उनको उनके पूर्वज से मिली, तो कुछ रिचुअल, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल, लाइफ और स्टाइल, ये सब चीजें आपको, पूजा पाठ, बहुत सी चीजें हैं जो हमको कुल के द्वारा मिलती, हम उसको बोलते कुलीन व्यक्ति, हम शब्द प्रयोग करते हैं, व्यक्ति बहुत कुलीन है। कुलीन का अर्थ अच्छे परिवार से, अच्छे परिवार का अर्थ पैसे वाला नहीं होता, अच्छे परिवार का है अच्छे संस्कार है, अच्छा स्वभाव है, धर्म में संस्कार है, धर्म में स्वभाव है, रिस्पेक्ट है दूसरों की, हम कहते बड़ा कुलीन व्यक्ति। तो ये जो कुल धर्म बोलते इसको, कि कैसे प्रकार बैठना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए, कैसे सम्मान देना चाहिए, सत्य का पालन कर, तो बहुत सी चीजें हैं जो हमको कुल परंपरा से मिलती, पिता अपने बेटे को सिखाता, उसके पिता ने अब उसको सिखाया, उसके पिता ने उसको सिखाया, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे खाओ, ये रिस्पेक्ट करो, ये सब चीजें जो मिलती हैं इसका नाम होता है कुल धर्म। ये कब से आ रही है, अर्जुन कहता सनातन, अनादिकाल से, कुरुकुल बोलते रघुवंश, वंश का अर्थ कुल, कुरुवंश, कुरु का वंश, तो कुल
परिवार फैमिली, उस फैमिली में होने वाले जो रिचुअल है, जो कर्म कांड है, जो पूजा की पद्धति है, अनादि काल से चली आ रही। क्यों चली आ रही? क्योंकि आप अपने बेटे को बता देते, वो अपने बेटे को बता देता है, वो अपने बेटे को तब चली आ रही। और यदि आगे बेटा ही ना हो तो किसको सिखाओगे? यदि आगे कोई वंश परंपरा ही ना हो तो आपके पास बहुत बहुमूल्य संस्कार पड़े हुए हैं, दोगे किसको? लेने वाला ही नहीं है। तो अर्जुन कहता है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन। तो जब सनातन का अर्थ हुआ अनादि काल से चली आ रही जो परंपराएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो रिचुअल हैं, पूजा पाठ हैं, कुल का धर्म है, कुल की देवी है, कुल का देवता है, बहुत सी मान्यताएं हैं, जब कोई पालन करने वाला नहीं होगा तो उनको पालन करेगा कौन? वो बचेगी कैसे? कुल क्षय प्रणश्यन्ति। फिर जो कुल के धर्म है, कुल की व्यवस्थाएं हैं, परिवार की जो व्यवस्थाएं, खत्म हो जाएंगी, कोई पालन करने वाला नहीं बचेगा। पहले ऋषि लोग जंगलों में रहते थे, रहने के लिए उनके पास बहुत बड़े बड़े महल नहीं थे, झोपड़े थे, लेकिन उनकी जो परंपराएं थी, जो कुल परंपरा थी, वो जीवित रहती। इसलिए आप पढ़ते ना, नारायण पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौड़ पदम महंतम गोविंद्र योगिंद्र मथासी शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म। तो इस तरह से एक परंपरा जो चली, वो परंपरा आगे कंटिन्यू कैसे है? उसको कोई आगे ले जाने वाला व्यक्ति है? ये खत्म हो जाए। ये खत्म कब होगा? कुल क्षय, कुल का नाश होने के पश्चात हे कृष्ण, कुल में होने वाले जो धर्म है वो धर्म समाप्त हो जाएंगे, और सनातन धर्म है वो, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से चली आ रही परंपराएं हैं, और वो परंपराएं मिट्टी को उसकी जड़ों से जोड़ के रखती, उनके कारण वो अंध परंपराएं नहीं होती, वो ब्लाइंड फेथ नहीं, वो आपको अपनी जड़ों से जोड़ के रखती। और जब वो ही नष्ट हो गई, उसका परिणाम क्या होता है? धर्मे नष्टे, उस धर्म का, उस परंपरा का, उस चीजों का नाश हो जाने के पश्चात फिर क्या होगा? अधर्म, अधर्म पैदा हो जाएगा, कुछ तो होगा वहां पर। जब हमारे पास कोई परंपरा की चीजें नहीं है, कोई कुल परंपरा नहीं, तो हम लोग दो तरह से परंपराएं मानते, एक तो होती वंश परंपरा, एक विद्या परंपरा। गुरु अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य को, अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्र को, अपने पुत्र को, अपने पुत्र को। तो जब अच्छी अच्छी चीजें, धर्म संस्कार इस प्रकार से दिए जाते हैं तो लोग उनके द्वारा बंधे रहते हैं, धर्म में रहते हैं, धर्म आके उनको रोक लेता है। लेकिन जब वो परंपराएं टूट जाती है, जब वो चीजें नहीं रहती हैं,
तब क्या होता, अधर्मो अभिभव, अधर्म पैदा हो जाए। कुछ तो चाहिए हमको, या तो धर्म करने दो, धर्म नहीं तो अधर्म करेंगे। कुछ तो चाहिए करने के लिए। धर्म की परंपराएं जैसी टूट गई, उसके बाद अधर्म वहां पर आ जाएगा, पाप आ जाएगा। तो जो चीजें परिवार के कारण, परंपराओं के कारण व्यक्ति धर्म में लगा था, पुण्य में लगा था, अब वो टूटने के पश्चात वो पापी हो जाएगा, कुछ तो करेगा। तो हे कृष्ण, अर्जुन कहता है इसीलिए कुल के क्षय का दुष्परिणाम देखो, कुल का नाश हो जाने के पश्चात ये अधर्म, ये पाप आगे चलता रहेगा। अगला मंत्र देखिए, अधर्माधिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः। अर्जुन कहता है कृष्ण, अधर्म बढ़ जाने के कारण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, कुल की जो स्त्री है वह प्रदूषित हो जाएगी, और उनके प्रदूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। अब अर्जुन की आप व्यवस्था देखो, अर्जुन की समस्या देखो कि जब एक कुल परंपरा है, उस कुल परंपरा में ये धीरे धीरे संस्कार दिए जाते हैं, वो संस्कार खत्म हो गए, फिर क्या हो गया, अधर्मो अभिभवत कृष्णः, हे कृष्ण अधर्म पैदा हो जाएगा। ये अधर्म क्या करेगा, अधर्म का अर्थ क्या हुआ, उसका दुष्परिणाम कहता है कुल स्त्रिया प्रदूष्यन्ति कृष्ण, हे कृष्ण अभी भी आप देखते हो जब शादी करते हैं तो पंडित से लोग कुंडली मिलाते, गुण देखते, गुण मिले ये मिला वो मिला और ठीक है, लेकिन धीरे 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 लगा इन चीजों में, बोले हम तो भरोसा नहीं करते हैं। तो परिणाम क्या हुआ, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। अब जब ये व्यवस्थाएं नहीं रही, जिसके जहां जैसे मन में आया, जहां पर जिसको लगा स्त्री सुदुष्टासु वार्ष्णेय, उसका दुष्परिणाम होता है, अर्जुन कहता वर्ण संकर संतान पैदा होती। वर्ण संकर का थोड़ा समझिए, अर्जुन की समस्याएं देखिए, वो अपनी जगह ठीक कह रहा है। वर्ण संकर का अर्थ होता, संकर शब्द का अर्थ होता है यहां पर मिलना, ये शंकर नहीं है, संकर, संकर का अर्थ मिलना। दो चीजों का मिलना जिनका मिलना ठीक नहीं था, उसको बोलते वर्ण संकर। वर्ण संकर का अर्थ हुआ कि जब कोई परंपरा नहीं है, कोई कुल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके जो मन में आया वो हम करें। अभी समाज में सब चीजें बहुत नॉर्मल आपको देखने को मिलती है, और उसके कारण क्या होता है, जायते वर्ण संकरा, वर्ण संकर पैदा हो जाता बच्चा। दो प्रकार की सभ्यताओं का मिलना, दो प्रकार के विचार जो मिलते नहीं थे, दो प्रकार की सभ्यताएं। अब समझो, एक है
वेजिटेरियन है, एक नॉन वेज प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, एक ईश्वर को मानता है दूसरा नहीं मानता, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, एक इस परमात्मा को मानता दूसरा उसको मानता, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, एक ऐसा विचार दूसरे का वैसा विचार, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और उस प्रॉब्लम के साथ हो सकता है कि वो लोग जी ले, ऐसे लोग जीते ज्यादा नहीं, आजकल डाइवोर्स हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह से कंप्रोमाइज करके टाइम निकाल भी लिया। वो जो संतान है उस संतान के ऊपर में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जायते वर्ण संकर, वो किसको फॉलो करते, वर्ण संकर करते दो संस्कृतियों का मिलाने की कोशिश। जायते वर्ण संकर, ये संकर अर्थात दो सभ्यताएं, दो विचार, दो संस्कृतियों का मिलना, और वो मिल पाते नहीं ठीक से। तो ये पति पत्नी तो किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे, लाइफ निकाल लिया, लेकिन वो जो संकर वर्ण संकर पैदा हुआ बच्चा, वो किसको फॉलो करे। बाप बोलेगा मैं भगवान को नहीं मानता, माँ बोलेगा हम मानते, ये बेचारा बच्चा किसको फॉलो करे। मैं इस भगवान को मानता हूं, बोले तुम उस भगवान को मानते, किसको फॉलो करे वो। इसलिए जब उसके पास कोई बेस नहीं होता है, क्योंकि दोनों स्ट्रगल करते हैं, इस वर्ण संकर की हालत आप समझिए। आजकल सोसाइटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि दो विचार के लोग एक संतान उत्पन्न करते हैं, दोनों के विचार अलग है, संस्कृति अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है। अब उनसे होने वाली जो संतान है ये किसको फॉलो करे, इसके पास कोई बेस नहीं होता, कोई फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि परंपरा से कुछ मिला ही नहीं। माँ जो कराना चाहती है बाप विरोध करता, बाप जो कराना चाहता है माँ विरोध करती, इसके पास अपना कोई सेंटर नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। और बिना किसी आधार के, क्योंकि परंपरा से कुछ दिया नहीं, वंश परंपरा से कुछ मिला नहीं, इसको बोलते हैं वर्ण संकर। दो अपोजिट डायरेक्शंस का एक जगह मिलना। और अभी की हालत यही जो अर्जुन कह रहा था, गलत नहीं कह रहा था कि कोई इंडियन है कोई अमेरिकन है, दोनों की मैरिज हो गई, इतने अलग संस्कृति, इतना अलग कल्चर। जब वो बच्चा है वो जो वर्ण संकर है, उसकी समस्या हुई, वो किसको फॉलो कर। माँ उसको बोलेगी मंदिर में चलो, बाप बोलेगा चलो चर्च में, अलग अलग संस्कृति के लोग, तो इनको परंपरा से कुछ नहीं मिला, कुल धर्म नहीं मिले, फिर पैसा कोई कितना भी दे दे, प्रॉपर्टी कितनी भी मिल जाए। अर्जुन इसी बात को कहता है कृष्ण, जायते वर्ण संकरा, इसका एक पूरा कॉमन नेम दे दिया वर्ण संकर। इस संतान के पास कोई कल्चर नहीं है। और अभी तो जब घर में कोई कल्चर नहीं मिला, माँ से नहीं मिला, परिवार से, बाप से नहीं मिला, सोसाइटी में गया तो फिर कुछ पता नहीं क्या क्या मिलने लग गया, स्कूल कॉलेज में गया सब उसके जैसे लोग हैं, फिर मीडिया ने कुछ पकड़ा दिया, अपनी सोचने की कोई क्षमता नहीं है, अपने विचार करने के कोई परंपरा से कुछ मिला नहीं,
जैसी चीजें देखी उनके पीछे चल देता है। अर्जुन की समस्या है जो आज समाज में दिखाई पड़ता है, ये अर्जुन का प्रेडिक्शन था। जायते वर्ण संकर, ये वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे जिनके पास न कोई धर्म होगा, न कोई संस्कृति होगी, न कोई कल्चर होगा। और जब धर्म नहीं होगा, संस्कृति नहीं होगी, कोई कल्चर नहीं होगा, तो अधर्म अपने आप और बढ़ जाएगा, नहीं रोक सकते, अधर्म और बढ़ेगा। क्योंकि उसकी जो जड़ भा थी परिवार में, कुल में, माता पिता दादी दादा सिखाते थे, खत्म बात। जायते वर्ण संकरा, अर्जुन का ये जो संकेत था भगवान के लिए, हे कृष्ण जब विरुद्ध संस्कृति मिलेगी तो वर्ण संकर संतान पैदा हो जाएगी, जिसका कोई न धर्म होगा, न कोई संस्कृति होगी, न कोई कल्चर होगा, ये अधर्म में होंगे। इसके आगे फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति।